तो देखो स्विफ्ट तो हो गए लॉन्च, अब जल्दी से सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कौन कौन हमें मिलेंगे। हमारे साथ में फिलहाल आस्कार गुरु से अमित जी हैं। कैसे हो अमित जी? मैं बढ़िया, बताइए। ये लो आपका माइक, और आप मुझे ये बताओ कि स्विफ्ट के फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसे लग रहे हैं? देखो देखने में लुक में कुछ थोड़ा नयापन है, हाँ, और आगे हेडलाइट मुझे अच्छी लगी है इसकी, ग्रिल भी थोड़ा सा नया ढंग का है, हालांकि इंडिया में ज़्यादा फीचर्स तो देते नहीं अडास वगैरह, तो वो नहीं है। साइड से थोड़ा अच्छा लगा पहले, क्योंकि जो ऊपर का हैंडल था वो कई लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं था, मतलब एक बार वो ऊपर हाथ पहुंचता था फिर नीचे लाते थे, तो ये थोड़ा अटपटा हुआ, ये अब ठीक कर दिया। पीछे का बूट हिस्सा जो है, जो पीछे का डोर है, वो काफ़ी बेहतर हो गया, और नीचे का जो बम्पर है पीछे वाला, वो रियली गुड लुकिंग हो गया है, जो पहले बड़ा बोरिंग बोरिंग सा होता था। अंदर आए तो अंदर सबसे बड़ी कमी जो थी मेरी में, वो थी ऑल ब्लैक इंटीरियर। अगर इसमें डुअल टोन इंटीरियर होता, बीच वाइट, थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, और गाड़ी और ज़्यादा रूमी नज़र आती। हाँ, बाकी 9 इंच का स्क्रीन, गुड जॉब, अच्छी चीज़ है, और जो कंट्रोल्स हैं वो भी सब अपनी ऐसे जगह है। शीर्ष बड़ी आरामदायक है, कम्फर्टेबल, बहुत कुछ नहीं है, और पीछे भी अच्छी जगह मिल रही है, ये अच्छी चीज़ है। टॉप एंड में इन्होंने पीछे एसी वेंट दिया, जो लोअर में नहीं दिए, जो थोड़ी कम है। 6 एयरबैग पहली अच्छी चॉइस, और दूसरा हिल होल्ड स्टैंडर्ड किया है इन्होंने, चुप मारती ने सभी में कर दिया था स्टैंडर्ड, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड दिया है। AMT भी इन्होंने सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़कर बाकी सब मिल गए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मिसिंग किया हमने CNG को, CNG तो आएगी टाइमली, प्राइस भी ठीक है, हाँ, अगर पुराने से कंपेयर करें तो प्राइस ठीक है, लेकिन ग्रैंड आइटम से अगर आप देखो तो तकरीबन 50,000 रुपये महंगी पड़ रही है। देखो ग्रैंड आइटम एक अलग तरह की कार है, ये एक अलग तरह की कार है। स्विफ्ट कोई भी आँख बंद करके खरीद लेता है बगैर कंप्लेंट के, और कभी भी स्विफ्ट का ऑनर दुखी नहीं दिखता, ये तो फैक्ट है, बस यही उसका प्लस पॉइंट शायद इसीलिए बिकती है। थैंक यू, एनी टाइम। तो दोस्तों स्विफ्ट ये रही हमारे साथ में, लेकिन कुछ और लोग भी हैं इंडस्ट्री फेमस, एंड ही इज DDS रवि जी, एंड इधर हैं रोहित भाई। फर्स्ट इंप्रेशन बताओ गाड़ी को लेके कैसा? अच्छा है, अभी एक बार 2-3 दिन बाद ड्राइव है, तब एक बार चला करके देखेंगे। बहुत ज़्यादा जो है ये कह रहे हैं कि 3 सिलेंडर पे बड़ा जोर दे रहे हैं, तो देखते हैं चला करके कैसी, मतलब कि बाकी तो सब सही है। CNG तो आई नहीं, कोई बात नहीं यार, 25-26 की एवरेज ही वैसे दे रही है, काफ़ी है मेरे ख्याल से। CNG के चक्कर के अंदर ही 1 लाख रुपये और ले लेते हैं, तो उससे तो सही है ना फिर, ये आएगी मुझे ऐसा लगता है, स्पेकुलेटेड बाद में, बाद में देखते हैं, इसका देखते हैं कि क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है ना, क्योंकि प्राइस को देखते हुए थोड़ा सा मिला जुला हिसाब किताब। रवि भैया ये बताओ कि अगर टॉप 2 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करें जो आपको पसंद आ रहे हो फिलहाल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें उतने खास फीचर तो कुछ है नहीं, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इससे अच्छा आप बलेनो ले सकते हो। हाँ, प्राइसिंग कैसी लगी? प्राइसिंग बहुत हायर साइड में है, हाँ। अभी 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले इन्होंने प्राइस बढ़ाए थे, उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ा दिए, 6.49 पे जा रही है, जबकि ग्रैंड आइटन नियोस तकरीबन 50-60 हज़ार। एक्स्ट्रा आपकी 6 एयरबैग के साथ आती है, हाँ, वो 6-12 की है, हाँ, शोरूम, करेक्ट, एंड सो इज ग्रैंड आइटन नियोस। दिखने में पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, बट प्राइसिंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा। करेक्ट, चीज़ ये भी हो सकती है कि प्राइसिंग इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि नया इंजन है, R&D तो होती है भाई, R&D के ऊपर बहुत खर्चा होता है ना, ये भी चक्कर है कि आगे आने वाले टाइम में बाद में बलेनो में भी आएगा, डिजायर में भी आएगा, तो धीरे धीरे ठीक आदत हो जाएगी लोगों को। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो कारक्वेस्ट से एक और भाई साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र भैया, कैसे हो आप? तो अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं आपको, प्राइसिंग कैसी लगी, एंड इन टोटल अगर हम बात करें तो कैसा लग रहा प्रोडक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन बता सकते हैं? मुझे तो सही बताऊँ तो ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा फर्क समझ में आता है, बाकी मेरे को तो दूर से मतलब सेम ही लग रही थी गाड़ी, कोई ऐसा फर्क मुझे दिखा नहीं। हाँ, पास से देखोगे तो लगेगा कि बम्पर में चेंज है, रियर में थोड़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, रियर अच्छा लग रहा है गाड़ी का, बाकी व्हील बेस वगैरह वैसे ही है। अंदर बैठ के हमने कम्फर्ट चेक भी किया, तो कोई ऐसा मतलब जादुई काम हुआ नहीं है, ठीक है, बाकी ठीक है गाड़ी। बाकी ये इंजन जो है जब टेस्ट होगा तो पता लगेगा। वैसे 3 सिलेंडर इंजन देखो मारुति के पहले भी लोगों ने चलाया है, ऐसी मतलब हवा बन रहा है ना, 1 लीटर के भी चलाए हैं लोगों ने, 800 cc के भी देखे हैं, 1 लीटर के भी देखे हैं, तो ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जैसा भी काम करेगा, जो भी काम करेगा उसमें देखते हैं कैसा काम करेगा, वो तो मतलब टेस्ट के बाद ही बता पाएंगे भाई। इंजन को लेके बस थोड़े से क्वेश्चन है, बाकी गाड़ी पहले भी ऐसी दिख रही थी, अब थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस होने के बाद थोड़ी नई जनरेशन लग रही है, वैसे ऐसा लग रहा है कि एकदम ही नया तो आ गया है। नहीं वैसा मतलब वो सब पूरा मतलब मेजर चेंज नहीं लग रहा, माइनर वाला लग रहा है मुझे, माइनर चेंज। प्राइसिंग को लेके कैसा लग रहा है? प्राइसिंग 6.5 के करीब आई है, प्राइसिंग तो ठीक है यार, अब पता है अब लोगों को आदत भी हो गई है गाड़ियां इतने रेट में देखने की और लेने की, क्योंकि अब 11-12 लाख में हैचबैक पहुंची हुई है, सब कॉम्पैक्ट जो हम SUVs बोलते हैं वो मेरे हिसाब से तो वो भी हैचबैक्स ही हैं, ठीक है, थोड़ी सी मतलब स्टेरॉइड लेके इंजेक्शन लगे हुए उनके, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो प्राइसिंग तो लोगों को ठीक ही लगेगी, 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया, 6-18 की शायद पहले एक शोरूम आता था नीचे वाले, 6 का अभी प्राइस लेकिन बढ़ा है उनका, हफ्ते 10 दिन पहले ही प्राइस बढ़ाया था, और अभी ये 6.5 हो गया, तो इतना फर्क कोई लगेगा नहीं लोगों को। प्राइसिंग में तो लोग इंडिया वाले कर लेते हैं जस्ट ऐसी बात, स्पेशली मारुति की गाड़ी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ रहेगी, हाँ बताओ, सेफ्टी, हाँ
बहुत बढ़िया है। सिक्स एयरबैग्स आ गए ना। और गाइस अभी देखते हैं और कौन कौन है हमारे साथ। ये लो मिस ऑटोलॉक्स जुड़ चुकी हैं। कैसी हो? परफेक्ट परफेक्ट। तो गाड़ी कैसी लग रही है? मिनी कूपर। मिनी कूपर लग रही है? तो वो तो पहले भी लगती थी। नहीं अब अब आपको पहले क्या है मॉडिफाई करवानी पड़ती थी। हाँ। अब ऑलरेडी मॉडिफाइड है, इतने सारे ऑप्शन आ गए, रेसिंग रोडस्टर आ गया है। हाँ। यहाँ पे आपको थ्रिल चेजर मिल गया है। हाँ। तो ऑलरेडी उसके अंदर फिटेड है यार, अब तो आपको करवाना ही नहीं पड़ेगा बाहर, आउटर मार्केट के तो धंधा ही बंद करवा दिया। अच्छा मेजर और माइनर में से अगर रेट करना हो तो मेजर की तरफ डिफरेंसेस काउंट करवाओगे या माइनर की तरफ? मतलब नोटिसेबल डिफरेंसेस कैसे लग रहे हैं? नोटिसेबल जो डिफरेंसेस है वो ऑफ कोर्स क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, उस अकॉर्डिंग जो मेजर चीजें जो दी है इन्होंने, जैसे वायरलेस चार्जर जो दिया है, सेफ्टी का ध्यान रखा है, सिक्स बैग एयरबैग जो है स्टैंडर्ड कर दिए, इंजन क्योंकि मारुति जाना जाता है माइलेज के लिए, माइलेज बहुत बढ़िया दे रहे हैं और वो तो ड्राइव पे पता चलेगा कि वो सच में जो क्लेम कर रहे हैं वो मिल रहा है क्या, क्योंकि इंडियन मार्केट माइलेज कॉन्शियस और प्राइस कॉन्शियस है, तो दोनों ही अच्छे दिए, 6.5 लाख से स्टार्ट हो रही है और साथ साथ माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, तो क्या चाहिए यार। तो ये थी मिस ऑटोलॉग हमारे साथ में। वीडियो लाइव हो गई? अब होगी, अभी होगी। चलो ठीक है, कब ड्राइव कर रही हो? मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में कर रहे हो। चलो गुड लक। और गाइस राइड विद भावना गर्ग जो है ना हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, दैट मींस भावना चौधरी। हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बताओ भावना, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं इस गाड़ी को लेके, पहले और अब में कितना डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? क्योंकि लोग जनरली ये कह रहे हैं कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंज है, फेसलिफ्ट जो है, मुझे भी यही फील हो रहा है, बहुत मिनिमल चेंजेस है, बट जो भी है ना वो मजेदार है, जो स्विफ्ट वाले हैं, जो मारुति वाले हैं, वो एग्जैक्टली वही परचेज करेंगे, बट उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ठीक है एकदम न्यू जनरेशन आ गया है। बट हाँ अगर आप देखोगे ना तो वन लुक आप देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो पुराने वाली है, बस ग्रिल चेंज कर दी है। बट हाँ जब आप उसे थोड़ा डीप में जाओगे, इंटीरियर जाओगे, इंफोटेनमेंट देखोगे और अंदर फीचर्स कम्फर्ट देखोगे तो यू विल गेट अ न्यू स्विफ्ट। करेक्ट। प्राइसिंग कैसी लग रही है? प्राइसिंग सही है बट 9 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, 65,000। मुझे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, वहाँ पे रूफ रेल सबके पास नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि 9,65,000 की बजाय 8.5-9 लाख के आसपास होनी चाहिए थी। बेस वेरिएंट मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट या बेस वेरिएंट मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मारुति किस तरीके का बेस वेरिएंट बनाती है, तो हाँ 6.5 लाख बेस वेरिएंट के लिए ओके प्राइस है। ठीक है, तो ये थी भावना हमारे साथ में। चलिए देखते हैं और कौन कौन है इस प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल पावर ऑन व्हील से जुड़ चुके हैं अमित द्विवेदी जी। कैसे हो भैया? बढ़िया, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ये बताओ मुझे गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पुरानी स्विफ्ट से थोड़ा बेटर, जैसे होता ना कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए तो चेंजेस दिख रहे हैं। और प्राइसेस अच्छी है, मुझे लगता है कि पुराने जिस तरीके से शुरू होती जहां से, तो इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा तो उतना बढ़ोतरी हुआ है, बट मुझे लगता है कि ठीक है जिस तरीके से मारुति अपनी प्राइसिंग करती है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा खुश किस चीज से उस नई स्विफ्ट में? तो नई स्विफ्ट में क्या है कि इसमें 40+ कनेक्टेड फीचर्स आ गए हैं युवाओं के हिसाब से, सबसे अच्छा वो लगा। फ्रंट की लाइटिंग और रियर में जिस लाइटिंग का पैटर्न दिया गया वो बहुत प्यारा लग रहा है, तो एडॉप्ट किया जो आज के ज़माने के हिसाब से होता है। वायरलेस चार्जिंग आ गया है और 60-40 स्प्लिट सीट देती है, और क्या चाहिए। और ये मुझे बताओ स्पेस को लेके कितना आपको महसूस हुआ पुराने और नई में? तो डिफरेंस लगा? व्हील बेस में कोई चेंज नहीं है और कुछ भी चेंज दिखता भी नहीं है। तो जैसे आप पहले स्विफ्ट में बैठते थे वैसे ही बैठने वाले हो, फैब्रिक भी वही मिलने वाला है, बूट में उतना ही सामान रखने वाले हो। हालांकि बाद में टेस्ट करने का मैटर है, कब जब चलाएंगे तो टेस्ट करेंगे वहाँ। अगर मैं रियल कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो ग्रैंड आइटन नियोस या टियागो मान सकते हैं। मुझे लगता है कि इस गाड़ी कौन सा है? मुझे लगता है इस गाड़ी को 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, बट अब थोड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि मार्केट में अब एक्सटर क्योंकि जो वो एसयूवी ग्रो हुआ है ना, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट पंच हो गया, एक्सटर हो गया, तो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पर जाने के बजाय लोग जो है उधर बढ़ना पसंद करेंगे। आपको क्या लगता है टॉप 5 में दोबारा आ जाएगी स्विफ्ट? वो रहेगी, उसको आँख बंद करके लोग मारुति के बारे में लोग सजेशन नहीं लेते खरीद लाते, ये तो फैक्ट है। थैंक यू सो मच। चलो आयुष भाई कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपके स्विफ्ट को लेके? यार पहले से क्यूट हो गई दिखने में। क्यूट लग रही है? हाँ, एग्रेशन नहीं है मतलब है, क्यूटनेस की तरह क्यूटनेस है। हाँ। और मतलब पुरानी स्विफ्ट को देखें और नई स्विफ्ट को देखें कितना अंतर नजर आ रहा है, मतलब अगर कोई पहली बार कोई गाड़ी देखने के लिए अगर इसको शोरूम में जा रहा है लेके निकलूंगा ना तो कोई ऐसे पहचान नहीं पाएगा कि ये नई वाली है या इसमें कुछ चेंजेस हो गए, मतलब उसको मैं बताऊंगा यार नई वाली स्विफ्ट है भाई, लो अच्छा नहीं है का भाई, वो वाला सीन रहेगा। अच्छा तो मतलब बहुत नोटिसेबल चेंजेस? नोटिसेबल नहीं है, माइनर चेंजेस है। क्या सबसे ज्यादा इंप्रेसिव क्या लग रहा है नई वाली? टेल लैंप अच्छे लग रहे हैं। रीजन? यार अच्छे लग रहे हैं, सबको पर्सनल प्रेफरेंस। और फ्रंट में? फ्रंट में यार वो जो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया है हाउसिंग जो हेडलैम्प का वो बढ़िया है, अलॉय व्हील्स का चूज सही करा है और ये जो कलर है रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि छोटी सी गाड़ी अगर कोई ले रहा है अच्छी दिखने ऊपर कह रहे हो क्या?
पाप पड़ेगा इस बोल। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ कि अगर एक फीचर ऐसी बतानी हो स्विफ्ट की जो एक्चुअली में पसंद आ रही है वो क्या होगी? यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा क्योंकि लिए मेरा था कि वो हाइब्रिड वाला सिस्टम आ जाएगा 35-40 वाले जो बस चल रहा था तो वो चले गया, फिर 4 सिलेंडर वाला बढ़िया मतलब बेस्ट इंजन था वो मतलब स्मूथ, अभी 3 सिलेंडर आ गया तो कहाँ फीचर वीचर पे तो अपन जाते नहीं, अपने को तो चलाने से मतलब है वो सीन है। पावर भी डिक्रीज हुई है, टॉर्क डिक्रीज, हाँ वही सीन है। चलो चला रहे हो आप गाड़ी अभी हाल फिलहाल में, तो चला के मुझे बताना फिर। ठीक बिल्कुल, थैंक यू। तो मेरे साथ में फिलहाल ऋषभ आ चुके हैं। ऋषभ मैं आया हूँ कि ये आया मेरे साथ आ चुके हैं मेरे शो पे ही आ चुका है वैसे मैं आया हूँ शो पे आ गया। बहुत तगड़ा ह्यूमर था वैसे, आप हंसते हंसते पागल मत हो जाना। अब मुझे ये बताओ पहला इंप्रेशन कैसा लग रहा है इस गाड़ी का, फर्स्ट इंप्रेशन? यार फर्स्ट इंप्रेशन पहले से ऑलमोस्ट देखो सेगमेंट लीडर तो है ही है। हाँ। अभी ये लगता है कि एक रिफ्रेश मॉडल होने की वजह से लोगों को एक रीज़न ऐड हो गया कि हाँ यार अब तो न्यू स्विफ्ट है, तो अब सेफ्टी वाला कंसर्न था कहीं ना कहीं, वो कई लोगों को कॉन्फिडेंस ऐड होगा। ऑलरेडी जापान में 4-star सेफ्टी रेटिंग आ गई, 6 एयरबैग्स आ गए और नए लुक्स अच्छे तो लग रहे हैं। लेकिन 4-star रेटिंग जो है ना वो ADAS वाले वर्जन की। हाँ नहीं ADAS वाले वर्जन की जरूर है लेकिन उससे क्रैश का फर्क नहीं ना पड़ा। क्रैश का क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्रैश का कैसे फर्क पड़ेगा? ADAS तो प्रिवेंट करता है ना, लेकिन वो क्रैश का रेफरेंस नहीं आएगा उससे। अच्छा और एक चीज और बताओ मुझे कि अगर फिलहाल हम देखें क्रॉस कॉम्पिटिशन एग्जामिन करें तो ग्रैंड आई10 नियोस के साथ में इसका कंपैरिजन बनता है, लेकिन ग्रैंड नियोस इस टाइम 50,000 रुपये सस्ती पड़ रही है, उससे भी सस्ती पड़ रही है मेरे ख्याल से। एफ एम नॉट रॉन्ग वो 5.8 के आसपास की है, तो 70-80 हज़ार का फर्क आ रहा है मेरे ख्याल से। 5.92 है, ओके ठीक है, 50,000 का फर्क आ रहा है। तो आई10 नियोस में अच्छी चीज़ ये है कि जो उसका इंटीरियर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेशियस लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसके थीम कलर की वजह से। अगर हम स्पेसिफिकली बेस को देखें, अगर हम उसके अपर वेरियंट्स में जाएंगे तो डेफिनेटली उधर फर्क, एयरबैग्स उधर भी मिल रहे हैं ठीक है, सेफ्टी के क्रैशेज रेटिंग का थोड़ा सा है तो इसके इधर भी अभी तक वो रहेगा तो। लेकिन ऐसा है कि एक रिफ्रेश्ड और ज़्यादा स्पेशियस मॉडल अगर देखें नाम के हिसाब से और कहीं ना कहीं रीसेल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता, तो अगर मैं भी चूज़ करूँ तो आई थिंक आई वुड गो विद द स्विफ्ट। अच्छा हाँ, इन दोनों में से मुझे ज़्यादा सेंसिबल ये लगता है कि आप बलिनो ज़्यादा बेटर। नहीं, इन दोनों में से, आई एम सेइंग इन दोनों में से। बलिनो तो नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि अभी जिस तरीके की प्राइसिंग आई थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं, वो एग्रेसिव साउंड नहीं करती है। हाँ। तो अगर प्राइसिंग तो थोड़ा एक्सपेंसिव के एंड जरूर है यार, मार्केटिंग पॉइंट से अगर 5.99 कर देते तो काफी फर्क पड़ जाता। हाँ। और दूसरी बात रही, बट एक्चुअली पता क्या, ये दूसरे ब्रांड्स की तरह ये गेम नहीं कर सकते कि बेस लॉन्च कर दे लेकिन देना, इनको बेस देना पड़ता है। बट हाँ अगर हम और वैसे ओवरऑल सारी मार्केट देखें तो डेफिनेटली बलिनो के साथ जाना बेटर है, क्योंकि उसमें एक प्रीमियम टच आया था, प्रीमियम फील आया, स्पेस है उसके अंदर। स्पेस के अलावा आपको खुद लगता है कि यार मैंने एक प्रीमियम गाड़ी ली है, बट ऑब्वियसली दैट डजंट कम विद द 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। एज स्टैंडर्ड तो नहीं आते, बट हाँ डेफिनेटली, बट वो जल्दी कर दिए जाएंगे एज फार एज आई नो, जितनी मुझे नॉलेज है बलिनो के 6 एयरबैग्स भी जल्दी आ जाएंगे और प्राइस में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। चलो थैंक यू सो मच ऋषभ। तो फिलहाल मेरे साथ में गाड़ी वाड़ी से गौरव भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। अब मुझे बताओ आपके फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं गाड़ी को लेके? यार और क्यूट हो गई है स्विफ्ट। सब क्यूट ही क्यों कह रहे हैं, कोई एग्रेसिव नहीं कह रहा है? एग्रेसिव नहीं है ना भाई, क्यूट हो गई है। मतलब लग रही है कि वो मिनी कूपर वाली कहीं ना कहीं फील ना, 6.5-7 लाख रुपए वाली गाड़ी के अंदर मारुति ने डाली है और प्यारी लग रही है गाड़ी। हाँ एक ऐसा फीचर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा हो फिलहाल स्विफ्ट के अंदर? माइलेज ही है यार, माइलेज 25.5 की। हाँ 25-75 25-75 है ना, तो वो माइलेज है प्लस में रियर लुक। सबको रियर लुक्स भी पसंद आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। फ्रंट से तो स्विफ्ट जैसी लग ही रही है। हाँ। पीछे से स्विफ्ट स्पोर्ट्स वाली फील आ रही है गाड़ी। अच्छा इसके मैकेनिकल सारे चेंज कर दिए, इनफैक्ट सस्पेंशन, हाइड्रोलिक क्लच सब चीज चेंज। वो तो चलाने के बाद पता लगेगा क्या फर्क आया है। आप कब चला रहे हो? 13th को चला रहे हो, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में पूछूँ आपसे, तो प्राइसिंग को लेके क्या आपके इनपुट्स हैं? स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा सा 20-25 हज़ार रुपये और कम रखा जा सकता था, क्योंकि पहले जो स्विफ्ट आती थी वो 5.99 लाख रुपीज़ था। अभी 10-15 दिन पहले उसका प्राइस उन्होंने 25,000 बढ़ाया और अब इसमें 25,400 बढ़ा दिया, तो 50,000 का डिफरेंस आ गया। 6.25 के आसपास रहता ज़्यादा बढ़िया रहता। करेक्ट। ग्रैंड आई10 नियोस जो है अभी फिलहाल अगर इसका क्रॉस कॉम्पिटिशन एग्जामिन करें, वो 6 एयरबैग्स के साथ में 5.92 टू बी वेरी प्रिसाइज इतनी प्राइसिंग आ रही है, तो 50-60 हज़ार रुपये का अंतर आ रहा है। बलिनो और इसमें 15,000 का फर्क रह गया। हाँ करेक्ट करेक्ट। सिर्फ 15,000 में आपको बलिनो का सिग्मा आ जाए, वहाँ पर आपको फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 6 एयरबैग्स भी नहीं है। 6 एयरबैग नहीं है। करेक्ट। सो आप एक्साइटेड हो नए वाले इंजन को लेके? बढ़िया, चला के देखेंगे कैसा निकलता है। ये वैसे माइलेज एक्सपर्ट हैं, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट इस चैनल को। 1 साल पहले हमने जापान में देखा था। हाँ हाँ आपकी वो शायद 1 मिलियन प्लस व्यूज़ है। थैंक यू सो मच गौरव भैया। ओके भाई।